हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। और आपको जो आज का जो साइंस का वीडियो है वो क्लास 8th के लिए है। टुडे साइंस वीडियो इज ओनली फॉर क्लास 8th। और आप लोगों के चैप्टर 13 साउंड स्टार्ट हो चुका था। और आज का जो टॉपिक है वो है प्रोडक्शन ऑफ साउंड, कि साउंड का प्रोडक्शन किस तरीके से होता है और क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ फिफ्थ और ऑल ऑफ एट्थ क्लास स्टूडेंट ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप, वीचैट, टेलीग्राम, SMS टू कॉलिंग एट एनी टाइम। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक। जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि जो साउंड का प्रोडक्शन होता है वो वाइब्रेशन के कारण होता है, ठीक है, ये हम लोग भी जानते हैं। तो लिखिएगा, ठीक है, द साउंड, ठीक है, इज प्रोड्यूस्ड, साउंड इज प्रोड्यूस्ड किसके कारण होता है, ड्यू टू वाइब्रेशन। ये आप लोग भी जानते हैं कि साउंड का जो प्रोडक्शन होता है वाइब्रेशन आ बॉडी, कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट के वाइब्रेट होने के कारण ही वो साउंड का प्रोडक्शन होता है। ये आप लोगों को अच्छी तरीके से जानते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा टेंपल में जब जो बेल घंटी लटकी हुई रहती है वो भी वाइब्रेशन के कारण बजती है, ठीक है, अच्छी तरीके से जानते हैं। जैसे लिखिएगा वैन, ठीक है, मैं आप लोगों को नॉर्मली लिखवा देता हूं, द गोंग ऑफ अ बेल, ठीक है, द गोंग, GONG, गोंग, ठीक है, When the gong of a bell, कि घंटी का जो गोंग होता है, ठीक है, घंटी का जो गोंग होता है वो हैमर पर स्ट्रक करता है, इज, ठीक है, द गोंग ऑफ बेल, ठीक है, इज स्ट्रक विद अ हैमर, विद इज स्ट्रक, STRUCK, स्ट्रक विद अ हैमर, HAMMER, ठीक है, हथौड़े के साथ वो स्ट्रक करता है, ठीक है। देन क्या लिखोगे, साउंड क्या होती है, एज प्रोड्यूस होती है, क्यों, क्योंकि वो हैमर जब स्ट्राइक करता है तो वो क्या होता है, वाइब्रेट करने लग जाता है, ठीक है। तो आगे लिखिएगा द बेल, ठीक है, घंटी क्या होती है, एज सेट, ठीक है, घंटी क्या हो जाती है, द बेल, फुल स्टॉप कर लिखिए, द बेल इज सेट, सेट हो जाती है किसमें, इन टू वाइब्रेशन, ठीक है, एंड वाइब्रेशन, सेट इन टू वाइब्रेशन, एंड आगे क्या होगा कि जो साउंड है वो सेट, बेल सेट हो जाती है वाइब्रेशन में, एंड साउंड प्रोपागेट हो जाती है थ्रू एयर, एंड साउंड प्रोपागेटेड, ठीक है, प्रोपागेट हो जाती है साउंड, ठीक है, साउंड इज, द साउंड इज प्रोपागेटेड थ्रू, किसके थ्रू, THROUGH, थ्रू एयर, ठीक है, फुल स्टॉप। एक तो ये हो गया, ठीक है, साउंड क्या होती है, प्रोपागेट, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह वो चली जाती है, ठीक है। एक आपने देखा होगा साइकिल की घंटी भी होती है, स्टार यहां तक लिख लिया, एयर तक, एक लाइन का गैप दे करके लिखिएगा, द साइकिल बेल प्रोड्यूसेस द CYCLE, साइकिल बेल, ठीक है, प्रोड्यूसेस द साइकिल, CYCLE, द साइकिल बेल प्रोड्यूसेस, ठीक है, साउंड, ये भी साउंड प्रोड्यूस करती है किसके कारण, ड्यू टू वाइब्रेशन, किसके कारण, ड्यू टू वाइब्रेशन, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय गोंग, ठीक है, वो एक गोंग के थ्रू ये प्रोड्यूस होती है, ठीक है, फुल स्टॉप लगा लिखे, व्हेन द साइकिल बेल, क्या लिखा, व्हेन द साइकिल बेल, ठीक है, इज टच होती है हमारे हाथ से, टच्ड, TOUCHED, टच्ड विद हैंड, ठीक है, क्या हो गया, टच्ड विद हैंड, यानी कि द साइकिल बेल इज टच्ड विद हैंड, इससे क्या होगा, कॉमा लगा लिखे, द वाइब्रेशन आर, द VIBRATIN, वाइब्रेशंस आर, तो इससे क्या होगा, जो वाइब्रेशंस है वो क्या होंगे, स्टॉप्ड,
स्टॉप हो जाएंगे तो वो साउंड प्रोड्यूस होना भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा. एंड द वेल एंड ए एन डी, ये लिखे ए एन डी एंड द वेल. इस वेल क्या होगी, डज नॉट प्रोड्यूस Does not produce, ठीक है, sound. तो वो bell sound produce नहीं करती है, ठीक है. इसे finally क्या आ जाता है, क्या पता चलता है, This shows that. ये क्या दिखाती है, This shows that. क्या दिखाती है, Sound is produced, ठीक है, As long एज, ठीक है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड एज लॉन्ग एज, ठीक है, जब तक साउंड प्रोड्यूस होती है एज लॉन्ग एज द गोंग, ठीक है, गोंग जब तक क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, ठीक है, फुल स्टॉप. जब तक गोंग क्या करेगा, वाइब्रेट. आगे की तरफ चलते हैं, बात करते हैं. इसके बाद यहां तक आपने लिख लिया होगा. इसके बाद आप लोगों को कई सारी एक्टिविटी दे रखी है, जैसे ये कोई पेन लटका दिया, मतलब ये कोई बर्तन है, ठीक है, कोई पेन है और इस पर कोई जो बच्चा है वो क्या करता है, एक गोंग से या एक डंडे से, ठीक है, क्या करता है, इस पर स्ट्राइक करता है, क्या करता है, स्ट्राइक करता है. तो स्ट्राइक करेगा तो साउंड प्रोड्यूस होगी, सीधी सी बात है, ठीक है. और भी कई सारे होते हैं, साउंड प्रोड्यूस होगी क्योंकि वो पेन क्या करेगा, फ्राइंग पेन या पेन क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, ठीक है, वाइब्रेट करने से वो साउंड प्रोड्यूस होती है. आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बींग्स, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन. साउंड प्रोड्यूस से पहले एक टॉपिक और बता देता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है, कि मेटेरियल की आवश्यकता होती है. तो इसमें लिखिए, हेडिंग डाले मेटेरियल, ठीक है, मेटेरियल, ठीक है, हेडिंग डाले मेटेरियल, मीडियम, एम ई डी आई यू एम, मीडियम, ठीक है, इज, तो हेडिंग डालें मेटेरियल मीडियम, एम आई डी आई यू एम, ठीक है, मेटेरियल मीडियम इज नेसेसरी, एन ई सी ई, लिखे एन ई सी ई डबल एस आई टी वाई. ये टॉपिक है आपके, मेटेरियल मीडियम इज नेसेसिटी. तो सीधी सी बात है कि साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो. साउंड सॉलिड में भी ट्रेवल करती है, लिक्विड में भी करती है और गैस में भी करती है. बट ध्यान रखना, साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती है, ठीक है, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती है. जहां पर मीडियम नहीं है वहां साउंड ट्रेवल नहीं करेगी, ठीक है. तो मैं आप लोगों को बता दूं, आगे लिखिएगा मेटेरियल. ये जो चीज, ये जो टॉपिक है ना, ये आप लोग 9th-10th में पढ़ोगे. ये जो टॉपिक है ये 9th-10th का टॉपिक है और वहीं जाकर के आप पढ़ोगे. फिर भी मैं यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट हुआ ही है साउंड, इसलिए साउंड से रिलेटेड है जो मैं लिखवा रहा हूँ. मेटेरियल मीडियम, ठीक है, इसमें लिखिएगा मेटेरियल मीडियम, ठीक है, जो जरूरी होता है प्रोपागेशन के लिए इज नेसेसरी, ठीक है, इज नेसेसरी, ठीक है, किसके लिए, साउंड के प्रोपागेशन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, फॉर द प्रोपागेशन ऑफ साउंड, ठीक है. तो क्या लिखा आपने, मेटेरियल मीडियम इज नेसेसरी, यानी कि कोई ना कोई मेटेरियल मीडियम की आवश्यकता होती है साउंड को एक जगह से दूसरी जगह प्रोपागेट होने के लिए, ठीक है, फुल स्टॉप लगा लिखे. इट कैन बी सीन बाय, इट कैन बी सीन बाय, यानी कि इसे देख सकते हैं, लेकिन कैसे, एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक है, बाय एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट मतलब हम इसे एक्सपेरिमेंट भी किया जा सकता है, ठीक है. जैसे आपने कभी एक कंटेनर में या एक भगोनी में वाटर लिया है, पानी लिया है, उसको जोर जोर से आप हिलाइए तो उसमें वेव्स प्रोड्यूस होंगी. क्या वेव्स प्रोड्यूस होंगी, और ध्यान से सुनी जाए तो समुद्रों में लहरों की आवाज भी हमें सुनाई देती है, ठीक है. इन द, फुल स्टॉप के बाद लिखें आप, फुल स्टॉप के बाद लिखें, इन द एब्सेंस, ए बी एस ई एन सी ई, ठीक है, यानी कि अनुपस्थिति, इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम, ठीक है.
अगर कोई भी मीडियम नहीं है अनुपस्थित है तो क्या होगा, नो साउंड, कोई भी साउंड आपके ट्रेवल नहीं होगी, नो साउंड कैन ट्रेवल, ठीक है, कोई भी साउंड किसी भी प्रकार की ट्रेवल नहीं होगी, फुल स्टॉप के बाद लिखें, साउंड कैन ट्रेवल, ठीक है, साउंड ट्रेवल हो सकती है। ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, थ्रू एयर यानी कि गैसेस, ठीक है, कॉमा, तो क्या लिखा, फुल स्टॉप लगा के, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू एयर यानी कि गैसेस कॉमा लिक्विड्स, एल आई क्यू यू आई डी एस लिक्विड्स, और ब्रैकेट में लिखे हैं आप लिक्विड्स के बाद एंड लगाएं, एंड के बाद लिखे हैं आप सॉलिड्स, ठीक है, तो यानी कि साउंड जो है वो बिना मीडियम के, नो साउंड कैन ट्रेवल, कोई भी साउंड ट्रेवल नहीं होगी, फुल स्टॉप के बाद मैंने लिखवाया साउंड कैन ट्रेवल थ्रू एयर यानी कि गैसेस लिक्विड एंड सॉलिड्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बट अब भी इंपॉर्टेंट लाइन, बट नॉट, ध्यान रखना, बट नॉट थ्रू वैक्यूम, टी एच आर ओ यू जी एच वी ए डबल सी यू एम, ठीक है, थ्रू वैक्यूम, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको मैं कर रहा हूँ अंडरलाइन, ठीक है, ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसको मैंने अंडरलाइन किया है, ठीक है, साउंड से लेकर के इंपॉर्टेंट लाइन है इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। चलिए जी आगे, अब मैं नीचे लिख रहा हूँ एक परफेक्ट आप लोगों के लिए शॉर्ट में, बी सॉलिड सबसे ज्यादा, ठीक है, एक सेकेंड, बी सॉलिड, ठीक है, फिर लिख रहा हूँ मैं वेलोसिटी लिक्विड की, ठीक है, लिक्विड, और फिर लिख रहा हूं मैं गैस, ठीक है, तो मैंने लिखा वी सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ध्यान रखना वी यानी कि वेलोसिटी सबसे ज्यादा है आप लोगों के सॉलिड की, उससे कम है लिक्विड और सबसे कम है गैस, इज दैट क्लियर, तो सबसे ज्यादा आप लोगों की किसकी हो गई, ठीक है, सॉलिड, उससे कम हो गई आप लोगों के, ठीक है, उससे कम होगी आपके लिक्विड, ठीक है, और सबसे कम होगी आप लोगों के गैस, ठीक है, तो सबसे ज्यादा सॉलिड, फिर लिक्विड एंड देन गैस, ठीक है, यहां पर जो वी है वो क्या है, नीचे लिख रहा हूं मैं वी, ठीक है, इंडिकेट कर रहा है, आई एन डी आई सी ए टी एस, इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट्स कर रहा है, अबाउट स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड, ध्यान रखना यहां पर जो मैंने वी लिखा है ना, वी किसको शो कर रहा है, इंडिकेट का मतलब शो करना, किसको, साउंड की स्पीड को, ठीक है, सो द, आगे लिखिएगा, इससे क्या हुआ, सो द वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, तो वी इंडिकेट कर रहा है साउंड की स्पीड को, सो द वेलोसिटी यानी कि स्पीड जो है साउंड की वो क्या है, मैक्सिमम, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम किस में है, मैंने लिखा इन सॉलिड देन इन लिक्विड एंड मिनिमम इन गैसेस, ठीक है, सो द वेलोसिटी यानी कि स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम किस में, सॉलिड में, देन इन लिक्विड एंड मिनिमम किस में, इन गैसेस एयर में। चले आगे की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है क्या, साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस, लिखिएगा नेक्स्ट टॉपिक, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमंस के थ्रू साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, ये नेक्स्ट टॉपिक है, और इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो ह्यूमंस में, जैसे कि आप बैलून है, बैलून में भी हवा भरते हैं इस तरीके से, जैसे कि ह्यूमन थ्रॉट जो होता है, हमारा जो गला होता है उसमें जो वोकल कॉर्ड होते हैं वो टू वोकल कॉर्ड होते हैं, कितने होते हैं, टू वोकल कॉर्ड होते हैं, कितने होते हैं उसमें, टू, एक सेकेंड, यानी कि टू वोकल कॉर्ड होते हैं, ठीक है, अब वोकल कॉर्ड तो टू होते हैं, ठीक है, यानी कि हमारे जो गले की बात करें टू वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, अब दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो कि एक दूसरे से बाउंडेड होते हैं, कैसे होते हैं, बाउंडेड होते हैं, ठीक है, अब एक्चुअलिटी में होता क्या है कि
जो स्पीक होती है, जो हम बोलते हैं लाउडली, या हम जो स्ट्रांग बोलते हैं या पतला बोलते हैं, मोटा बोलते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है कि हमारा जो साउंड होता है वो वॉइस बॉक्स, यानी कि हमारे जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो होता है वॉइस बॉक्स। अब वॉइस बॉक्स को क्या बोला जाता है? लैरिंग्स। क्या बोलते हैं? लैरिंग्स। इस वॉइस बॉक्स को बोलते हैं लैरिंग्स, और इस लैरिंग्स क्या हारमोनियम की तरह वर्क करता है। ठीक है, जो हमारी बॉडी का ये जो पार्ट होता है, ठीक है, ये वॉइस बॉक्स भी हमारी एक बॉडी का पार्ट है, जो मैं जिसके ऊपर क्या होता है, एक विंड पाइप। इस वॉइस बॉक्स के ऊपर, ठीक है, ये जो वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है, वॉइस बॉक्स, इसके ऊपर क्या होता है, विंड पाइप होता है। अब उस विंड पाइप में से क्या जाती है, हवा जाती है। तो उस वॉइस बॉक्स के, वॉइस बॉक्स यानी कि जिसे लैरिंग्स भी बोला जाता है, ये दोनों एक ही नाम है, लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स। ठीक है, जब हवा जाती है तो ये क्या होता है, अंदर की तरफ एक स्लिट बनती है, एक नैरो स्लिट बन जाती है बीच में। क्या बन जाती है? नैरो स्लिट। वो स्लिट किस तरीके से होती है मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, इस तरीके से वो स्लिट का होता है। ठीक है, इस तरीके से जैसे ये हमारा थ्रॉट है, ठीक है, मतलब गला है, और नीचे की तरफ इस तरीके से एक दोनों तरफ क्या हो जाएगी, इस तरीके से मतलब इस तरीके से वो गला जो होता है, और ये नैरो स्लिट बीच में बन जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये जैसे हमारा माउथ होता है ना, ये माउथ में हमने इस तरीके से करते हैं ना तो जब आप गला खोलते हो अपना, तो एक तरीके से स्लिट बन जाती है। वो कैसे, जैसे एक तो ये हो जाती है ऐसे, ठीक है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, हो गया, इसको मैंने नीचे इस तरीके से जॉइंट कर दिया। ठीक है, कर दिया, और एक आप लोगों के इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, तो नैरो स्लिट का मतलब है ये बीच में से ओपन हो जाना, ये बीच में से ओपन हो जाती है, तो एक नैरो स्लिट इस तरीके से बन जाती है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, साउंड का प्रोड्यूस होना। ठीक है, और इससे साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो आप लिखिएगा इसमें इन ह्यूमंस, ठीक है, इसमें आगे लिखिएगा इन ह्यूमंस। ठीक है, कंटिन्यू कीजिएगा, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस में, इन ह्यूमंस जो साउंड प्रोड्यूस होती है, द साउंड SOUND, साउंड इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, होती वही वाइब्रेशन से। मैंने आपको बताया था साइन साउंड, चाहे सॉलिड लिक्विड गैस की बात करो आप, होगी वाइब्रेशन के कारण ही। अब हमारा लैरिंग्स क्या करता है, वाइब्रेट करता है। ठीक है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द, किसके थ्रू होती है, बाय द वॉइस, VOICE, वॉइस बॉक्स, जिसे क्या बोला जाता है, लैरिंग्स, LARYNX। ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, लैरिंग्स बोला जाता है। ठीक है, आगे लिखिएगा द वॉइस बॉक्स, ठीक है, इज द पार्ट ऑफ, क्या लिखा, द बॉयज बॉक्स इज द पार्ट ऑफ, ठीक है, ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये भी हमारी ह्यूमन बॉडी का ही एक पार्ट है। ठीक है, आगे की तरफ आ जाओ, ये भी क्या है, हमारी ह्यूमन बॉडी का ही एक पार्ट है। ठीक है, इसके ऊपर की तरफ क्या होती है भैया, एक विंड पाइप होता है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ कैसे लिखेंगे, इट इज एट द अपर, UPPER, अपर, ठीक है, एंड बोल सकते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ, END, एंड, ठीक है, अपर एंड की तरफ किसका होता है, अपर एंड तो होता है ऑफ द विंड पाइप, यानी कि जो विंड पाइप होता है उस विंड पाइप का जो अपर एंड होता है वो इसका ऊपर ही एंड, मतलब ऊपर वाला पार्ट होता है, अपर एंड ऑफ विंड पाइप। आगे की तरफ आ जाइए, ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि विंड पाइप जो होता है अपर पार्ट होता है, विंड पाइप के थ्रू एयर का ट्रांसमिशन होता है, फुल स्टॉप लगा के लिखें, टू वॉकल कॉर्ड, वॉकल CHCORDS, ठीक है, कॉर्ड्स, जो दो वॉकल कॉर्ड्स होती है वो क्या होती है, आर स्ट्रेच, STRETCHED, ठीक है, तो क्या लिखा, टू वॉकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स, Across the voice box, ठीक है, और larynx,
LARYNX, ठीक है, यानी कि जो वोकल कॉर्ड है वो स्ट्रेच हो जाता है अक्रॉस द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स, ठीक है। फुल स्टॉप लगा करके लिखिएगा, लैरिंग्स के बाद फुल स्टॉप लगा दिया, इसके बाद लिखिएगा इन सच, SUCH, इन सच वे, इसी तरीके से क्या होगा, इन सच वे, ठीक है, डेट इट लीव्स, LEAVES, ये क्या करती है, इट लीव्स, ठीक है, एक नैरो स्लिट बनाती है, ए नैरो, NARROW, नैरो स्लिट, SLIT, ठीक है, एक नैरो स्लिट बन जाती है इन दोनों के बीच में, बिटवीन डैम, ठीक है। फॉर क्या लिखा, इन सच वे डेट इट लीव्स अ नैरो स्लिट बिटवीन डैम, TEN, बिटवीन डैम, ठीक है, एस, और इसमें से एयर क्या होती है, जाती है, फॉर द पैसेज, PASSAGE, पैसेज ऑफ एयर, ठीक है, इसमें से एयर ट्रांसमिट होती रहती है, पैसेज ऑफ एयर। चलें आगे की तरफ, आगे लिखिएगा, ठीक है, एयर के बाद वेन द लंग्स, ठीक है, अब देखिए आगे वेन द, ठीक है, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा वेन द, अब लंग्स जो है वो क्या लगाएंगे, फोर्स, वेन द लंग्स, ठीक है, वेन द लंग्स एयर को फोर्स करेंगे, ठीक है, स्लिट के थ्रू, ठीक है, फोर्स FORC, फोर्स एयर, ठीक है, फोर्स एयर थ्रू TRUGH, थ्रू, ठीक है, तो क्या लिखा, वेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू स्लिट, ठीक है, SLIT, ठीक है, स्लिट के थ्रू वो क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, कॉमा लगा के लिखे द वॉइस कॉर्ड, द वोकल कॉर्ड बोल सकते हैं, वॉइस कॉर्ड भी बोल सकते हैं, द वोकल कॉर्ड CORD, ठीक है, वोकल कॉर्ड क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी, वाइब्रेट, ठीक है, एंड कॉमा लगा लिखे प्रोड्यूसिंग PRODUCING, ठीक है, क्या हो गया, वोकल कॉर्ड वाइब्रेट कर रहा है, कॉमा लगा लिखे प्रोड्यूसिंग, ठीक है, साउंड, साउंड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, फुल स्टॉप। इसके आगे लिखे जो मसल्स है MUSCLES, ठीक है, मसल्स हमारी वोकल कॉर्ड से, आप लोगों को बता दूं जो मसल्स होती है वो वोकल कॉर्ड से अटैच होती है और ये ही कॉर्ड को क्या करती है, टाइट करती है या लूज करती है, इसके कारण क्या होगा, साउंड का जो भारी होना या पतला होना मोटी होना वो इस पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। लिखेगा वेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू, ठीक है, स्लिट, द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट, कॉमा प्रोड्यूसिंग साउंड, फुल स्टॉप, मसल्स अटैच्ड टू द वोकल कॉर्ड कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट, कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज, LWSE, फुल स्टॉप। आगे लिखेगा फुल स्टॉप के बाद वेन द वोकल कॉर्ड्स आर टाइट एंड थिन, फुल स्टॉप, द टाइप, ठीक है, जब वोकल कॉर्ड क्या हो जाती है, टाइट हो जाती है, थिन हो जाती है, तो क्या होगा, हमारी जो वॉइस है, आवाज की जो क्वालिटी है, ठीक है, टाइप और क्वालिटी ऑफ वॉइस, मैंने दोनों ही लिखवा दिया, क्वालिटी भी और उसका टाइप भी, ठीक है, और वॉइस इज डिफरेंट फ्रॉम डेट व्हेन दे आर लूज एंड थिक, इससे क्या होगी, हमारी जो वॉइस है वो लूज हो जाएगी और थिक हो जाएगी, इज दैट क्लियर। चलें आगे की तरफ, एक बात और बता दूं, ठीक है, मेंस में जो नोट डाल करके आप लिख लीजिए, ठीक है, नोट डाल करके लिख लीजिए, जो वोकल कॉर्ड्स होती है, द वोकल कॉर्ड्स, ठीक है, मैन में बात करें, इन मैन, ठीक है, आर वो कितनी होती है, अबाउट, आप लोगों को बता दूं वो 20 mm लॉन्ग होती है, ठीक है, कितनी होती है, 20 mm लॉन्ग होती है, व्यक्तियों की, मैन की बात करें, ठीक है, इन वुमेन, ठीक है, नीचे एंड, ठीक है, आगे लिख दें इन वुमेन, वुमेन की बात करें, कॉमा लगा के लिखें, ठीक है, दे आर अबाउट, ये होती है 15 mm लॉन्ग, ठीक है, फुल स्टॉप। वुमेन की बात करें तो 15 mm होती है, ठीक है, और चिल्ड्रन की बात करें, फुल स्टॉप लगा के लिखें चिल्ड्रन, ठीक है, तो चिल्ड्रन, ठीक है, में क्या होता हैव वेरी, ठीक है, शॉर्ट हो जाएगी या बहुत छोटी बोल सकते हैं, ठीक है, वेरी शॉर्ट, ठीक है, वोकल कॉर्ड,
ठीक है। तो मेन में कितनी हो गई आपके 20 mm, ठीक है, वुमेन में हो गई 50 mm और चिल्ड्रन में हो गई वेरी शॉर्ट, ठीक है। अब आगे आप लोगों को वोकल कॉर्ड का डायग्राम भी बताऊंगा, क्लोज्ड वोकल सिस्टम और ओपन वोकल सिस्टम, ठीक है। तो डायग्राम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, डायग्राम ऑफ, ठीक है, वोकल सिस्टम, ठीक है, वोकल सिस्टम, ये नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा आपके, डायग्राम ऑफ वोकल सिस्टम। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और साइंस को पढ़ते रहें। थैंक यू।